हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दो कच्चे आलू और घर के मौजूद कुछ ही सामानों से एकदम नए फुले फुले चटपटे नाश्ते की रेसिपी, जिसे आप 10 मिनट में बहुत ही आसान तरीके से बिना झंझट के झटपट बना पाएंगे। और ये चटपटा क्रिस्पी फुला फुला नाश्ता बच्चे से लेके बड़ों तक सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड में या से शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देर न करते हुए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक छोटा सा बाउल लेंगे और यहाँ पर एक कप सूजी लेंगे। यहाँ पर बारीक मोटे जो रहे वो ले लीजिएगा। यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह का ले लिया है, इस तरह के बारीक वाले। अगर मोटे भी रहेंगे तो चलेंगे इस रेसिपी में, दोनों से ये रेसिपी आराम से बन जाता है। और यहाँ पे हाफ कप दही डालेंगे और दही डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स दे देंगे। और यहाँ पे मैंने टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा नमक डाला था, वो वीडियो स्किप कर गया है, तो थोड़ा सा नमक डाल लीजिएगा, ज़्यादा नहीं क्योंकि आगे भी डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके कवर करके इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे सेट होने के लिए, उतने देर में ये फूल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने दो छोटे साइज आलू को छील के इसको धो के पानी में रख लिया है, क्योंकि आलू काले पड़ जाते हैं अगर पानी में नहीं रखेंगे। और यहाँ पर एक बारीक वाला ग्रेटर लेंगे, इसको अच्छे से दोनों आलू को ग्रेट कर लेना है। इसी पानी में ग्रेट करके रखिएगा, वरना आलू में बहुत सारे स्टार्च ते हैं तो आलू काले पड़ जाते हैं। तो देखिए दोनों आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है, ये अभी पूरा गंदा दिख रहा है, आलू पूरा गंदा है, तो इसको जाके धो लेते हैं 3-4 पानी से। तो देखिए इसको अच्छे से मैंने 3-4 पानी से धो लिया है और इसकी गंदगी निकल गई है, ये साफ हो गए हैं। इसी तरह के बारीक ग्रेट कीजिएगा, इसी तरह के अच्छे रहने चाहिए आलू के। अब इसे छान के छलनी में रख लेंगे, देखिए पानी से छान के रख लेना है, जब आप बनाने लगें तब छाने वरना पानी में रखिएगा। और यहाँ पर गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसमें एक छोटे चम्मच ऑयल डालेंगे, जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो 1/4 चम्मच अजवाइन डालेंगे और ये इसमें चटक जाएगा, अच्छे से इसको चला देंगे। जब चटक जाएगा तो यहाँ पे 1 छोटे चम्मच उड़ीद दाल लेंगे, चाय वाली चम्मच होती है ना छोटी चम्मच से, 1 छोटी चम्मच उड़ीद दाल और 1 छोटी चम्मच यहाँ पर हरा वाला साबुत मूँग दाल और 1 यहाँ पर मसूर साबुत दाल, मसूर वाला जो आता है साबुत, वो तीनों डाल के इसको अच्छे से इसमें चला देना, हल्का सा इसको मीडियम आँच पे रोस्ट कर लेना है। अगर आपके पास तीनों में से कोई भी दाल रहें तो एक डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप तीनों डालें। और अच्छे से इसको 1 मिनट तक मीडियम आँच पे रोस्ट कर लेना है, जब तक इसमें एक सौंधेपनी नहीं आ जाए इससे। तो देखिए इसमें हल्का सा सौंधेपनी आने लगा है, यानी कि ये अच्छे से रोस्ट हो गया है, यानी कि दाल बुना चुका है। अब यहाँ पे जो आलू ग्रेट करके रखा था ना छान के, वो इसके अंदर डाल देंगे। अब इसमें मिक्स करके इसको अच्छे से चला देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक मसाले डाल देंगे, यहाँ पे 2 पिंच हल्दी पाउडर, इससे ज़्यादा मत डालिएगा, इतने डालने से हमारे नाश्ते का कलर बहुत अच्छा आता है। 1/2 चम्मच लाल मिर्च डस्ट और 1/4 चम्मच ब्लैक पेपर और 1 चम्मच यहाँ पे चाट मसाला डालेंगे इसे चटपटा करने के लिए, और 1/2 चम्मच यहाँ पे गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच यहाँ पे धनिया पाउडर और नमक टेस्ट के अनुसार डाल के अच्छे से मिक्स कर देना है। इसको मीडियम आंच पे 1 मिनट पका लेंगे कि आलू के जो लच्छे हैं ना ग्रेट की हुई अच्छे से 50% कुक हो जाने चाहिए। तो देखिए 1 मिनट हो गया, वो अच्छे से कुक हो गया, उसे निकाल के साइड रख देंगे, फिर से कढ़ाई चढ़ा देंगे और यहाँ पर एक चटपटी सी चटनी की तैयारी कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 4 हरी मिर्च, 1/2 पीस प्याज, 2 टमाटर, 3 जावे लहसुन को ले लिया है और यहाँ पे 1 चम्मच यहाँ पे छोटे चम्मच से मूंगफली के दाने और 1 चम्मच नारियल का चूरा यानी कोकोनट पाउडर, सबको कढ़ाई में दोनों को डाल देंगे, मूंगफली और कोकोनट पाउडर को, और मीडियम आंच पे इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे कि थोड़ा सा हमारे चटनी में सौंधेपनी आ जाएगा। तो देखिए इसको रोस्ट कर लिया है, भुन चुका है ये। अब यहाँ पर टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और लहसुन जो था सब डाल के इसको चला लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हाफ कप पानी डाल देंगे, पानी डाल देना ना तो ऐसे ये जल जाएगा। हाफ कप पानी डालने के बाद इसको कवर करके 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे मीडियम आंच पे कि इसमें अच्छे से ये टमाटर और प्याज सॉफ्ट हो जाएगा। तो देखिए 1 मिनट में मैंने कवर हटाया, इसका पानी सूख गया है, हमारा टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, टमाटर प्याज। इसे ठंडा करके मिक्सी जार में डाल देंगे, देखिए ठंडा करके मिक्सी जार में डाल दिया। अब थोड़ा सा यहाँ पर धनिया पत्ती डाल देंगे और यहाँ पे स्वाद के अनुसार नमक डाल लीजिएगा और यहाँ पे 1 नींबू डाल लीजिएगा, 1 चम्मच नींबू का रस, अगर आपके पास नींबू का रस न रहे तो यहाँ पे आप 2 चम्मच दही डाल सकते हैं, और दही भी न रहे तो इमली का पल्प भी डाल सकते हैं, यानी तीनों में से कुछ भी डाल सकते हैं। और 1/4 कप पानी डाल के इसको कवर लगा के ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा चटपटा टेस्टी चटनी बन के रेडी हो गया है। इस स्नैक्स या जिसके साथ भी खाएंगे ये चटनी बहुत ही लाजवाब लगता है खाने में।
अब उसे रखेंगे साइड में। देखिए 5 मिनट हो रहा था, सूजी को फूलने छोड़ दिया था, ये अच्छे से फूल चुका है, पूरा इसका पानी सूख गया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे जो आलू के लच्छे जो पकाया था मैंने वो ले लेंगे। और यहाँ पे आधा प्याज को बारीक काट लिया वो ऐड करेंगे और 2 से 3 हरी मिर्च को बारीक काटा है वो डालेंगे और 1 टमाटर को सीड निकाल के इसको बारीक काटा है वो ऐड कर देंगे और 2 चम्मच शिमला मिर्च बारीक काट लिया वो डाल देंगे और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती। और सबको हाथों से अच्छे से मिक्स कर देंगे, सारा मसाला और सब्जी आपस में मिक्स हो जाए। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गया। अब यहाँ पे जो सूजी फूल रहा था वो इसके अंदर डाल देंगे, सारे सूजी को डाल के इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। तो देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इस नाश्ते को ज़्यादा चटपटा करने के लिए 1 पैकेट यहाँ पे मैगी मसाला डालेंगे। अगर आपके पास है तो ज़रूर से डालिएगा, अगर नहीं है तो यहाँ पे पाव भाजी मसाला या सांभर मसाला भी डाल सकते हैं। अब थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स दे देंगे। इसका बैटर न ज़्यादा गाढ़ा रहना चाहिए न ज़्यादा पतला बीच का, मैं आगे इसकी कंसिस्टेंसी बता दूंगी कैसा रहना चाहिए। इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। अब थोड़ा सा पानी और डालेंगे, एक दफ़ा पानी मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के यहाँ पे इसको मिक्स करने में यहाँ पे मुझे 1 कप पानी लग गया था। तो देखिए इसी तरह की कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। अब चलते हैं लेके गैस की तरफ। गैस में मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दिया, इसमें 1 चम्मच तेल डाला। जब तेल गर्म हो जाएगा तो 1 छोटे चम्मच से नाश्ते के बैटर उठाएंगे, इस तरह डाल देंगे 1 छोटे चम्मच से उठा के, इसी तरह गैपिंग करके थोड़ा सा धोधा पर डाल दीजिएगा जितना एक दफ़ा आ सके। यहाँ पे 3 आ रहा था मैंने डाल दिया और यहाँ 5 मीडियम कर दीजिएगा। ऊपर से गरम गरम तेल डाल देंगे कि ऊपर का हिस्सा भी जल्दी से पक जाए और इसको तुरंत पलटेंगे नहीं, 1 मिनट हो जाएगा, नीचे का हिस्सा हल्का सा फ्राई हो जाएगा यानी गोल्डन कलर आ जाएगा। तो इसे केयरफुल्ली अच्छे से पलट दीजिएगा। इसी तरह तीनों को पलट दिया मैंने, इसी तरह उलट पुलट करते हुए इसे फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3 से 4 मिनट लगेगा, 1 बैच रेडी हो जाता है। तो देखिए इसको उलट पुलट करते हुए इसमें प्यारा सा गोल्डन कलर आने लगा है, यानी कि हमारा नाश्ता तैयार हो गया है। अब इसे निकाल लेंगे, प्लेट पे रखेंगे निकाल के, इस तरह छानते हुए निकाल लेंगे, जो एक्स्ट्रा तेल है पैन ही में रह जाएगा। इसी तरह बाकी नाश्ते को भी डाल देंगे और मीडियम आंच पे उलट पुलट करते हुए उसमें भी प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक उसको भी फ्राई कर लेंगे। तो देखिए इसमें भी गोल्डन कलर आ गया है, इसे निकाल के प्लेट पे रख लेंगे। और यहाँ पे मैं 1 चम्मच तेल में शैलो फ्राई किया है मैंने नाश्ता को, हेल्दी तरीके से मैंने नाश्ता तैयार किया है, आप चाहें तो इसे डीप फ्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पर टेस्टी सा चटनी निकाल लेंगे। तो यह लीजिए दोस्तों बिल्कुल नए तरह का 2 कच्चे आलू अघर के मौजूद कुछ ही सामानों से बिल्कुल नए तरह का बिना झंझट के झटपट नाश्ता बनके रेडी हो गया है, पूरा ऊपर नीचे क्रिस्पी रहता है अंदर सॉफ्ट। आई होप आज की नाश्ते की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। तो ओके बाय, टेक केयर, मैं फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ।